हेलो मैजिकल माइंड्स। तो डियर, अब हम लीवरेजेस के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं। तो सबसे पहला क्लास प्रैक्टिस में जो न्यूमेरिकल देख रहे हो, इट्स वेरी इजी, राइट? और अगर आपको एक कॉमे का सिंबल दिखता है तो आप समझ जाइएगा रुपीज़ है यहाँ पर, ठीक है? तो आपको सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, टैक्सेस दिया हुआ है और आपको डीओएल, डीएफएल और डीसीएल निकालने को कह रहे हैं। तो DOL, DFL, DCL निकालने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट चाहिए होता है और अप्रॉक्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो EBT तक आपको जो है इनकम स्टेटमेंट चाहिए होता है। वैसे तो इनकम स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं निकाल के दिया है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों ही यहाँ पर लेस करके फिर डायरेक्ट EBIT निकाल कर दिया हुआ है, ठीक है? और ऐसे ही EBIT में से इंटरेस्ट और टैक्स दोनों ही लेस करके इन्होंने EAT जो है निकाल कर दे दिया है। तो इट मीन्स कि हमें इनकम अपना इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें हम कॉन्ट्रीब्यूशन भी निकाल कर जो है लिखें, ताकि हम DOL, DFL और DCL जो है वो निकाल सकें। तो चलिए, सबसे पहले हमारा रहेगा कि क्वेश्चन में जो है सॉल्यूशन वन में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट अपना क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है? और इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट, फिर EBIT आएगा, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे और फिर हमारा EBT आ जाएगा। इसके आगे की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, राइट? और आगे की ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं। तो सेल्स हमारा हो गया 10,50,000 रुपीज़, सेल्स हमने लिखा 10,50,000 रुपीज़। उसके बाद 7,67,000 आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया, 7,67,000 रुपीस आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ठीक है? इसके बाद फिक्स कॉस्ट आपकी 75,000 की है, फिक्स कॉस्ट आपकी 75,000 की है। तो यहाँ पे हमने देखा तो आपका कंट्रीब्यूशन आ गया 2,83,000, ठीक है? और फिक्स कॉस्ट 75,000 की है, 75,000 हमने लेस किया कंट्रीब्यूशन में से तो आपका आ गया 2,08,000 EBIT। देखिए EBIT यहाँ पे भी 2,08,000 आ रहा है, तो आप मैच भी कर सकते हैं, ठीक है? 2,08,000 आ गया। अब इंटरेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी आपका 1,10,000 गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे 1,10,000 जो है इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है 98,000 EBIT आ जाएगा। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन, अब डायरेक्ट हम अपना DOL, DOL का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT अप्लाई कर दें। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 2,83,000 अपॉन 2,08,000 है, 2,83,000 डिवाइडेड बाय 2,08,000 आपका आ गया 1.36 टाइम्स। डीएफएल का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT, यहाँ पे EBIT आपका 2,08,000 अपॉन 98,000 है, तो 208 डिवाइडेड बाय 98 आपका 2.12 ये आ गया। अब डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज अगर हम देखें तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन
ईबीटी या डायरेक्ट हम डीओएल और डीएफएल को मल्टीप्लाई करके भी जो है वो निकाल सकते हैं। तो 283,000 डिवाइडेड बाय 98,000, 283 डिवाइडेड बाय 98, यहाँ पर 2.89 अप्रॉक्स आपका डीसीए आ जाता है। 2.89, अब देखिए 1.36 आंसर देखिए बिल्कुल सही है, ठीक है। 2.12, 2.88 लिखा है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया था, दैट्स व्हाई 2.89 है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, आप देख रहे होंगे लीवरेजेस का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अ कंपनी ऑपरेट्स एट अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ 5,000 यूनिट्स, ये जो कॉमा है रुपीस का बेसिकली सिंपल है, फॉन्ट इंस्टॉल नहीं था, ठीक है, दैट्स वाई ये कॉमा आ गया है वर्ड फाइल से। द कॉन्ट्रीब्यूशन इज रुपीज 60 पर यूनिट, ऑपरेटिंग लीवरेज कितना दिया है 6। अच्छा, अब ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल के दिया है, निकाल के दिया है, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और कॉन्ट्रीब्यूशन हमें पता है 5,000 यूनिट्स है, पर यूनिट 60 है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा निकल आएगा, और DOL दिया है जिससे EBIT हमारा निकल सकता है। अच्छा, DCL दिया है, DCL का क्या फॉर्मूला होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, DCL दिया है तो EBT निकल आएगा। टैक्स रेट 30% है, व्हाट वुड बी इट्स अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT पूछ रहा है। अब EAT तो तभी निकलेगा क्योंकि टैक्स रेट गिवन है, इनकम स्टेटमेंट में ईबीटी माइनस टैक्स क्या आ जाता है, ईएटी आ जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ईबीटी चाहिए, ईबीटी चाहिए, यानी कि डीओएल की हमें ऐसी खास जरूरत नहीं है, डीओएल की हमें ऐसी खास जरूरत नहीं है, हम अपना डीसीएल से काम जो है वो चला लेंगे। तो DOL एक्स्ट्रा ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, कभी कभी ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि सारा जितना डेटा दिया है सबका यूज हो, राइट। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो सॉल्यूशन 2, राइट, आपका क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी कितनी दी हुई है, नंबर ऑफ यूनिट्स 5,000 और पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन है 60 रुपीज, यानी कि 5,000 इंटू रुपीज 60, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5,000 इंटू 60 आपका कितना आ जाएगा, रुपीज 3 लाख, 3 लाख हमारा क्या आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, राइट। अब हम DCL का फॉर्मूला उठा लेते हैं, DCL हमें कितना दिया हुआ है, 24, ठीक है। तो DCL का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT, DCL हमें 24 दिया हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन हमने 3 लाख रुपीज निकाल के रखा है, तो अब EBT आ जाएगा, EBT को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर कर देंगे, EBT और 3 लाख डिवाइडेड बाय 24 आपका EBT आ जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 24 यानी 12,500 रुपीज हमारा क्या है, EBT। अब EBT अगर 12,500 रुपीज है और टैक्स क्वेश्चन में 30% गिवन है, तो 12,500 का 30% निकाल लेंगे, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3,750, और 12,500 में से हम इसको माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 8,750। दिस इज योर आंसर, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, ये देखिए 8,750
रुपीज़ है आपका आंसर, और ये हमने यहाँ पर निकाल दिया 8,750। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3, फर्म हैज सेल्स ऑफ ₹40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है टोटल निकाल के दिए 25 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 6 लाख, 6 लाख दो बार लिख गया है, ठीक है। 10% ऑफ डेट यानी इंटरेस्ट रेट डेट का 10% है, और डेट का अमाउंट कितना है 30 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है 45 लाख। रिक्वायरमेंट है DOL और DFL। अब DOL के लिए मेरे को कंट्रीब्यूशन चाहिए और EBIT चाहिए, और DFL के लिए मेरे को EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करके EBT चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ आपको आती है। तो चलिए सॉल्यूशन 3, यानी कि सबसे पहले हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने लिखा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, और फिर हमारा क्या आ जाएगा ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ईबीटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सेल्स कितनी दी हुई है, सेल्स दी हुई है 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 25 लाख, रुपीज इन लाख्स लिख देते हैं, 40 लाख्स, 25, 40 में से 25 माइनस किया 15 लाख्स आ गया, 15 लाख्स में से फिक्स कॉस्ट 6 लाख्स है, 6 लाख्स माइनस किया तो आपका 9 लाख्स आ गया। अब कह रहे थे 10% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट किस पे 30 लाख्स पे, तो 30 लाख्स का 10% कितना हो जाएगा 3 लाख्स। आप यहाँ पे वर्किंग भी करके दिखा सकते हो कि 30 लाख्स का 10% आपने निकाला है 3 लाख्स, तो EBIT हमारा कितना आ गया 6, ठीक है। अब DOL हमसे मांग रहा था, तो DOL कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT यानी कि 15/9, और DFL EBIT अपॉन EBT यानी 9/6, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं, 15/9 1.67 राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो 1.67, दिस इज योर आंसर, और 9/6 आप लिख सकते हो 1.5, तो 1.67 और 1.5 आ रहा है, तो आप देख रहे हो ये आंसर हमारे बिल्कुल सही है, राइट, ठीक है। इन्होंने 3 डिजिट तक किया है, मैंने 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दिया है, राइट। अब देखते हैं 4th क्वेश्चन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT गिवन है, EBIT आपको गिवन है, ठीक है। अर्निंग बिफोर टैक्स आपको गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट कुछ नहीं लिखा है तो कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट होगी, कुछ नहीं लिखा है तो कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट होगी, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होगी, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ लीवरेजेस आपको कंप्यूट करने हैं, ठीक है, यानी कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए, ठीक है, और हम EBIT में फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करके कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, राइट, ठीक है, और EBT तक हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लें अपना, यहाँ लिखे सॉल्यूशन 4, और बना लें अपना इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट तो है नहीं, तो हम कंट्रीब्यूशन से ही बनाते हैं, क्योंकि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट की तो डिटेल ही नहीं है। कंट्रीब्यूशन में हम क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे जो गिवन है,
और उसके बाद क्या आ जाएगा, ईबीआईटी। ईबीआईटी में क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। रिवर्स कैलकुलेशन में यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईबीटी, ठीक है। अब हमें अगर आप क्वेश्चन में गौर करो तो ईबीआईटी 10 लाख है, फिक्स कॉस्ट 20 लाख्स है और ईबीटी 8 लाख्स है। ईबीआईटी 10 लाख्स है, देखो ईबीआईटी हमें गिवन है 10 लाख्स, ईबीटी हमें गिवन है 8 लाख्स। जिसके सामने जो फिगर है वो लिख लो, ठीक है, फिर हम देख लेंगे कि हमने कैसे निकाला है। और फिक्स कॉस्ट है 20 लाख्स, फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है 20 लाख्स, फिक्स कॉस्ट हो गई आपकी यहाँ पे 20 लाख्स। अब एक बात बताओ, कॉन्ट्रीब्यूशन में से 20 लाख्स घटाने के बाद आपका 10 लाख्स ईबीआईटी आ रहा है, ठीक है। तो 10 और 20 को ऐड कर देंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकल आएगा। आई होप ये एस्ट्रिक वाली फिगर आपको समझ में आ गई, रिवर्स हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन को या तो एक्स मान लीजिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा, एक्स माइनस 20 लाख इक्वल टू 10 लाख्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 30 लाख्स, ठीक है। 10 और 20 को ऐड करके निकाल लिया, ठीक है। अब 10 में से क्या लेस करेंगे, 8 लाख्स आ जाए, 2 लाख्स लेस करें, यहाँ पे भी आप वाई मान लीजिए, ठीक है। 10 लाख्स माइनस वाई इक्वल टू 8 लाख्स, जिनसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा वो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत ईजी कंपटीशन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, डी ओ एल निकल आएगा मेरा, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट निकाल रही हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई बी आई टी, ठीक है। तो ये तो आपका डायरेक्ट निकल आया 3, ठीक है। डी एफ एल आपका 10 लाख्स अपॉन 8 लाख्स, ठीक है। तो 10 अपॉन 8 अगर हम कर दें तो आपका क्या निकल आया, 1.25 डी सी एल। डी सी एल अब दो तरीके से निकल सकता है, एक तो ये है कि आप 30 लाख्स डिवाइडेड बाय 8 लाख्स करो, 30 लाख्स डिवाइडेड बाय 8 लाख्स करो, ठीक है, तो आपका आएगा 3.75। ये आपका हो गया आंसर, राइट। और दूसरा तरीका ये था कि डी सी एल हम कैसे निकालते, डी ओ एल और डी एफ एल को क्या कर लो, मल्टीप्लाई। तो 3 × 1.25 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 1.25 को आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए आपका कितना आएगा, 3.75, ठीक है। तो दो तरीके से हम निकाल सकते थे। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे जो हमने लीवरेज को समझने के लिए किए हैं।